नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हरिद्वार जनपद के बारे में, जिसमें हमने हरिद्वार जनपद के पार्ट वन में हरिद्वार जनपद के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, नदी सिस्टम के बारे में और बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा कर ली थी। आज ये हरिद्वार जनपद का पार्ट टू है और इसमें हम बात करेंगे हरिद्वार जनपद के प्रमुख स्थल और प्रमुख जो मंदिर है हरिद्वार जनपद में, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये है हरिद्वार जनपद का मैप और ये आपने पार्ट वन में भी देख लिया होगा। तो इसी मैप के माध्यम से जो भी हरिद्वार जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, उनकी लोकेशन कहाँ पे है और मंदिरों की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि मैप के माध्यम से फिर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हर की पैड़ी हरिद्वार का एक प्रमुख स्थल है, यहाँ पे है हर की पैड़ी। ये आप देख सकते हो मैप में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये है यहाँ पे हर की पैड़ी और हर की पैड़ी के निकट मैंने आपको कल भीमगोड़ा बैराज बताया था, जहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। तो जो ये हर की पैड़ी नामक स्थान है, ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है हरिद्वार जनपद का। और हर की पैड़ी का देखो, पैड़ी से आप लगा सकते हो पांव, तो यहाँ पे हर की पैड़ी है, जो इसका अर्थ है यहाँ पे भगवान विष्णु के चरणों से, भगवान विष्णु के चरण, यही इसका अर्थ है हर की पैड़ी का। और जो ये हर की पैड़ी है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। उनका एक भाई था जिसका नाम था भर्तृहरि, उसकी याद में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का यहाँ पर निर्माण कराया था। उनका जो भाई था भर्तृहरि, जिसकी याद में उन्होंने इस हर की पैड़ी का निर्माण कराया था, उसने काफ़ी सालों तक यहाँ पर तपस्या की थी, तो इसलिए यहाँ पर हर की पैड़ी का निर्माण कराया गया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा। अब देखो, हर की पैड़ी में एक कुंड स्थित है, ब्रह्मकुंड। मैंने आपको कल बताया था ब्रह्मकुंड कहाँ पर स्थित है, हर की पैड़ी में, या हर की पौड़ी भी लिखा रहता, कहीं कहीं पे पैड़ी भी लिखा रहता, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हर की पैड़ी में स्थित एक कुंड है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। और एक और चीज़ है यहाँ पे हर की पैड़ी में, वो है यहाँ पे गंगा मंदिर। हर की पैड़ी में क्या है आपका, गंगा मंदिर है। और इस गंगा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था अकबर के दरबारी थे एक राजा मान सिंह, तो राजा मान सिंह ने यहाँ पे हर की पैड़ी में गंगा मंदिर का निर्माण कराया था। और इस गंगा मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है यहाँ पे राजा मानसिंह की छतरी के नाम से। तो राजा मानसिंह की छतरी कहाँ है, ये है हर की पौड़ी में स्थित है, जिसको जो क्या है, एक गंगा मंदिर है और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा मानसिंह ने कराया था। तो हर की पौड़ी, हर की पैड़ी के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हर की पैड़ी के निकट दो घाट हैं, एक तो है गऊ घाट और दूसरा है कुसावर्त घाट। तो दो घाट कौन कौन से, एक है गऊ घाट। गऊ घाट क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वो गौ हत्या अगर उसने कर रखी होगी तो उससे वो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो एक तो गऊ घाट है और दूसरा यहाँ पे कुसावर्त घाट। यहाँ पे इस कुसावर्त घाट में एक दत्तात्रेय ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने इसी कुसावर्त घाट में तपस्या की थी। तो माना जाता है जब भगीरथ यहाँ पे गंगा जी को लेके आ रहे थे, तो जब हरिद्वार से गंगा जी प्रवेश कर रही थी, तो वो इन्हीं मतलब जो दत्तात्रेय ऋषि थे, इनके कुश और वहाँ पे जो उनके मंडल थे, उनको कमंडल और कुश को वहाँ पे बहा के ले गई थी। तो फिर ऋषि क्रोध हो गए थे और फिर वहाँ पे गंगा नदी को वापस आना पड़ा वहाँ पे उनसे क्षमा मांगने। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे गंगा नदी फिर पीछे मुड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ा, कुश और मंडल को बहा ले जाने के कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा, कुसावर्त घाट पड़ा, जहाँ पे किसने तपस्या की थी, दत्तात्रेय ऋषि ने इस घाट में तपस्या की थी। तो हर की पैड़ी में दो के निकट दक्षिण में दो घाट हैं, गऊ घाट और कुसावर्त घाट। उसके बाद दूसरा जो पर्यटक स्थल है वो है कनखल। ये है यहाँ पे कनखल, और कनखल के बारे में मैंने आपको कल कुछ बताया था कि इसको भगवान शिव की ससुराल भी माना जाता है, क्योंकि जो ये कनखल है ये माना जाता है जो दक्ष प्रजापति थे उनकी राजधानी माना जाता है कनखल को। और इसी कनखल में यहाँ पे क्या है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, कनखल में है। और ये जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है किसको समर्पित है, राजा दक्ष को समर्पित है। राजा दक्ष जो कि भगवान शिव के क्या थे, ससुर थे, और इसलिए भगवान शिव के ससुराल को ससुराल माना जाता है कनखल को, क्योंकि ये कनखल जो था वो राजा दक्ष की राजधानी थी। और यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, कनखल में स्थित है हरिद्वार जनपद में। और जो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण कराया था 1810 में रानी धनकौर ने, जबकि 1962 में इस दक्षेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तो ये चीज़ें मैं आपको नोट करनी है। उसके बाद कनखल में एक कुंड है, सती कुंड। अब यहाँ पे सती कुंड क्यों है यहाँ पे, कि आपको पता है कि जो राजा दक्ष प्रजापति है, इनकी बेटी थी माता सती,
जो कि भगवान शिव की पत्नी थी। तो जब वहाँ पे यज्ञ हुआ था तो उन्होंने भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया राजा दक्ष ने, तो माता सती वहाँ पे क्रोधित हो गई और वो गई सीधे बिना निमंत्रण के अपने पिता के यहाँ, और इनके पिता ने इनके पति का अपमान किया तो फिर वो क्रोधित हो गई और उन्होंने इस कुंड में क्या किया था, इस कुंड में अपनी मतलब वो अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण दे दिए इस कुंड में, तो इसीलिए इस कुंड का नाम क्या पड़ा, सती कुंड। तो जहाँ पे सती माता ने अपने प्राणों की आहुति दी उस कुंड को क्या किया कहा गया, सती कुंड कहा गया। तो कनखल में ही यहाँ पे क्या स्थित है, सती कुंड भी स्थित है और दक्षेश्वर महादेव भी स्थित है, और कनखल के निकट ही यहाँ पे लगभग एक नारायणी शिला भी है जिसको अगर किसी को पितरों का उद्धार के लिए इसको ये प्रसिद्ध है, जैसे पितरों के उद्धार के लिए जिसको वो करनी है प्रार्थना करनी है तो यहाँ पे एक नारायण शिला भी है। तो नारायण शिला कहाँ है, ये भी आपकी कनखल में स्थित है। तो दो चीज़ें आपको, एक हर के पेड़ के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स बताया है, कनखल के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। एक अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल यहाँ पे शांति कुंज, ये है यहाँ पे शांति कुंज, यहाँ पे ये लगभग जो भीमगोड़ा बैराज है उससे काफ़ी ऊपर है शांति कुंज, और ये शांति कुंज है जो ये है हरिद्वार में स्थित एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है शांति कुंज। तो शांति कुंज कहाँ है, हरिद्वार में स्थित एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना 1971 में हुई शांति कुंज की स्थापना, और ये किसने की, पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने, पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने 1971 में शांति कुंज की स्थापना की, और इसी शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, शांति कुंज को ही गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक अन्य तीर्थस्थल है सप्तऋषि आश्रम, यहाँ पे है सप्तऋषि आश्रम, ये है यहाँ पे। अब ये सप्तऋषि आश्रम, आपने सप्तऋषियों के बारे में तो सुना होगा हिंदू धर्म में, तो यहाँ पे सप्तऋषियों का जो आराधना स्थल था वो यहीं पे था। तो सप्तऋषियों का आराधना स्थल कहाँ पर माना जाता है, हरिद्वार में माना जाता है, और यहाँ पे सप्तऋषि आश्रम भी है। अब इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि जब भगीरथ थे वो गंगा माता को जब उन्होंने पृथ्वी में लाया था और हरिद्वार में जब गंगा माता बह रही थी तो यहाँ पे जब सात जो सप्तऋषि थे वो यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो गंगा माता मतलब किसी एक ऋषि के आश्रम से अगर बहना चाह रही थी तो फिर अन्य छह ऋषि क्या हो जाते, मतलब उनका अपमान हो जाता, तो इसलिए यह माना जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे गंगा माता की सात धाराओं के रूप में उन्होंने आगे बढ़ी थी गंगा माता सभी सातों ऋषियों का सम्मान करते हुए। तो यहाँ पे सप्त धारा है, यहाँ पे यानी सात धाराओं के रूप में गंगा नदी यहाँ पे आगे बढ़ी थी इस आश्रम के निकट से। तो कुल मिला के सप्तऋषि आश्रम कहाँ है ये आपको नोट करना है, ये भी आपका हरिद्वार में स्थित है जो कि सप्तऋषियों का आराधना स्थल माना जाता है। उसके बाद एक अन्य प्रमुख पर्यटक स्थल है पिरान कलियर, ये है यहाँ पे पिरान कलियर, और ये रुड़की से लगभग, ये है रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है पिरान कलियर। और ये पिरान कलियर किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे क्या है, जो ये पिरान कलियर गांव है यहाँ पे एक सूफी संत थे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की यहाँ पे क्या है, दरगाह है, ये आपको नोट करना है। अलाउद्दीन क्या है उनका नाम, सूफी संत थे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, तो उनकी दरगाह कहाँ है, पिरान कलियर में है, काफ़ी प्रसिद्ध वो दरगाह है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष एक उर्स मेले का आयोजन किया जाता है, तो उर्स मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये भी आपका पिरान कलियर में ही किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये रुड़की है, और रुड़की में आपको पता है कि एक तो बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं संस्थान है। अब देखो रुड़की कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये मैंने आपको कल नदी सिस्टम में बताया था, यहाँ पे ये जो नदी आ रही है सोलानी नदी, तो सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है रुड़की नगर, और रुड़की शहर का जो नाम पड़ा वो पड़ा रूड़ी नामक महिला के नाम पर, रुड़की शहर का नाम रुड़की पड़ा। अब देखो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देश में प्रथम बार रेल कब चली थी, तो सब यही बोलते हैं कि 1853 में चली थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि देश में जब प्रथम, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको कल ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बारे में बताया जो कि लगभग 1847 और 1854 के बीच जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो यहाँ पे जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो इनको यहाँ पे काफ़ी सामान की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए यहाँ पे रुड़की से लेकर पिरान कलियर के बीच में सर्वप्रथम भारत में रेल चलाई गई थी 22 दिसंबर 1851 में, 22 दिसंबर 1851 में रुड़की में चलाई गई थी भारत की सर्वप्रथम रेल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हर जगह 1853 दिया रहता है, तो एक्चुअली वो इसलिए दिया रहता है कि क्योंकि ये जो पता चला कि 1851 में रुड़की से पिरान कलियर के बीच देश की प्रथम रेल चली, ये पता चला लगभग 2001 में इसकी खोज हुई, लेकिन उससे पहले इतिहासकार ये सभी मान चुके थे कि 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच ही रेल का आगमन, यानी
रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, इसलिए उसी को माना जाता है देश की प्रथम रेल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुड़की से पिरान कलेर के बीच में चलाई गई थी एक मालगाड़ी थी, और वो इसलिए चलाई गई थी यहाँ पे जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे काफ़ी आवश्यकता पड़ रही थी ढुलाई की, माल ढुलाई की, इसलिए यहाँ पे 1851 में रुड़की से पिरान कलेर के बीच में देश की प्रथम रेल चली। खैर एग्जाम में आज तो एग्जाम में आपको ये 1851 करना नहीं है, वो 1853 ही सही माना जाता है क्योंकि इतिहास में अब वही दर्द है, इसकी खोज बाद में हुई। उसके बाद यहाँ पे रुड़की में 1847 में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया, IIT रुड़की के बारे में तो आपने सुना होगा, तो उसकी जो स्थापना हुई सर्वप्रथम 1847 में हुई और ये एशिया का सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो ये आगे मैं इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स बताऊंगा जब मैं आपको जो हरिद्वार जनपद में प्रमुख संस्थान है उस पर भी मैं जो तीसरा पार्ट होगा उसमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। तो 1847 में यहाँ पे देश का रुड़की में देश का पहला देश और एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया था। दोस्तों तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे जो हरिद्वार जनपद में प्रमुख स्थल थे उनके बारे में बताया था, प्रमुख स्थान थे। अब यहाँ पे हरिद्वार जनपद में जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है भारत माता मंदिर की। तो भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार जनपद में स्थित है, बिल्कुल हरिद्वार जहाँ पे स्थित है वहीं के निकट में है भारत माता मंदिर। और इस भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? स्वामी सत्यमित्रानंद ने। स्वामी सत्यमित्रानंद ने भारत माता मंदिर का निर्माण कराया हरिद्वार में, और उद्घाटन इसका हुआ था 1983 में। इस मंदिर का निर्माण सॉरी उद्घाटन 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था हरिद्वार में। और जो ये मंदिर है भारत माता मंदिर, इसकी जो टोटल ऊंचाई है 180 मीटर है और ये 8 मंजिला है, यानी 8 मंजिला ये मंदिर है। तो ये चीज़ में आपको नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पे माया देवी मंदिर, माया देवी मंदिर ये लगभग यहीं आसपास है। और जो ये मंदिर है माया देवी मंदिर, ये हरिद्वार में स्थित जो माता सती हैं उन्हीं के शक्तिपीठों में से एक है माया देवी मंदिर, जो कि हरिद्वार में स्थित है और ये यहीं आसपास है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे दर्शन रखा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी गई है और यहाँ पे उसके लिए मतलब जगह नहीं हो पा रही थी, तो आपको यहीं ध्यान रखना है कि यहीं आसपास है माया देवी मंदिर हरिद्वार जनपद में और माता सती के शक्तिपीठों में से एक है। और ये माना जाता है कि इस माया देवी मंदिर में, जहाँ पे ये माया देवी मंदिर है यहाँ पे माता सती के नाभि और हृदय गिरे थे। आपको पता है कि जहाँ पे माता सती के शक्तिपीठ हैं वो शक्तिपीठों की पूजा वहाँ पे इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं माता सती के कुछ ना कुछ भाग वहाँ पे गिरे हैं। वो कहाँ, वो तो पता ही होगा आपको कि जब माता सती मतलब हवन कुंड में उन्होंने क्या किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसके बाद विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मतलब जब शिव भगवान फिर उनको हिमालय ले गए थे, तो कुल मिला के उस वो आप देख सकते हो वहाँ पे फिर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए थे। तो जहाँ जहाँ वो शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पे वो शक्तिपीठ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी नाभि और हृदय गिरे थे, इसलिए यहाँ पे माया देवी मंदिर में माता सती की पूजा होती है और माता सती के शक्तिपीठों में से वो एक है। तीसरा यहाँ पे चंडी देवी मंदिर, ये है चंडी देवी मंदिर यहाँ पे इधर साइड है। और ये चंडी देवी मंदिर है ये हरिद्वार में नील पर्वत के शिखर पर, यहाँ पे ये नील पर्वत है, यह है नील पर्वत और एक बिल्व शिखर है, इधर बिल्व शिखर है और इधर नील पर्वत है। तो कुल मिला के जो हरिद्वार जनपद में है वो नील पर्वत और बिल्व शिखर के मध्य स्थित है। हरिद्वार जो स्थान है जहाँ पे हरिद्वार है वो नील पर्वत और बिल्व पर्वत की गोद पर बसा हुआ है। तो कुल मिला के जो चंडी देवी मंदिर है वो किस पर्वत शिखर पर है? तो ये है नील पर्वत शिखर पर। और इस मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के राजा सुचाल सिंह ने कराया था। उसके बाद यहाँ पे एक मनसा देवी मंदिर भी है, मनसा देवी मंदिर भी यहीं है आसपास और यम यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे बिल्केश्वर मंदिर महादेव मंदिर, ये यह है यहाँ पे बिल्केश्वर महादेव मंदिर, ये भी हरिद्वार जनपद में है। यहाँ पे नीलेश्वर महादेव मंदिर भी है, इनके बारे में अभी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले आप लोकेशन देख लो, उसके बाद PDF के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। तो ये सारे मंदिर आपको लोकेशन में पता चल गए कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मनसा देवी मंदिर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जो मनसा देवी मंदिर है वो हरिद्वार में बिल्व शिखर पर स्थित है। देखो चंडी देवी मंदिर कौन सी साइड है, आपने मैंने आपको मैप में बता दिया वो नील पर्वत पर है, जबकि जो मनसा देवी मंदिर है जिधर वो ऊपरी गंगा नहर बह रही है तो उधर साइड है मनसा देवी मंदिर, जो कि बिल्व शिखर पर स्थित है। और इस मंदिर में मनसा देवी की 5 भुजाओं और 3 मुख वाली मूर्ति की पूजा होती है। उसका जो 5वां मंदिर है बिल्केश्वर मंदिर, बिल्केश्वर महादेव मंदिर, तो ये मंदिर भी भगवान
शिव को समर्पित है। महादेव से आप लगा सकते हो, बिल्केश्वर महादेव मंदिर महादेव यानी शिव को ही समर्पित है। और ये बिल्केश्वर महादेव मंदिर भी आपका बिल्व पर्वत पर स्थित है। और यही माना जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पे तपस्या की थी इसी बिल्केश्वर यहाँ पे इसी बिल्व पर्वत पर, और यहाँ पे भगवान शिव ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे, तो इसलिए यहाँ पे बिल्केश्वर महादेव मंदिर है। और इस मंदिर में एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ पे बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, तो एग्जाम में आ सकता है बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा कौन से मंदिर में है, तो वो है आपकी बिल्केश्वर मंदिर में। उसके बाद छठा यहाँ पे नीलेश्वर महादेव मंदिर, तो नीलेश्वर महादेव मंदिर भी आपका कहाँ है, ये नील पर्वत पर है, नीले से आप लगा सकते हो नील पर्वत। देखो दो महादेव मंदिर है, एक बिल्केश्वर महादेव मंदिर है ये बिल्व पर्वत पर है, और नीलेश्वर महादेव मंदिर ये आपका नील पर्वत पर है, हरिद्वार में ही ये स्थित है। और सातवां है दक्ष महादेव मंदिर में, इसके बारे में आपको कनखल में, जब मैंने कनखल के बारे में आपको बताया था वहाँ पे डिटेल्स बता चुका हूँ, तो कनखल में यहाँ पे दक्ष प्रजापति मंदिर या जिसको दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो देखो इसको दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, आपका कनखल में स्थित है, जो कि दक्ष प्रजापति की राजधानी के रूप में जिसको जाना जाता है। और इस दक्षेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 1810 में कराया था रानी धनकौर ने, और 1962 में इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। तो ये हो गए प्रमुख मंदिर और प्रमुख, आज मैंने आपको प्रमुख स्थलों के बारे में हरिद्वार जनपद के और हरिद्वार जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में बताया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और लगभग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स अपने राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक जरूर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे इस कोर्स का सभी लोग फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में, जिसमें हम आपको यहाँ पे प्रशासनिक ढांचे के बारे में, हरिद्वार जनपद के प्रशासनिक ढांचा और प्रमुख जो संस्थान है हरिद्वार जनपद में और प्रमुख मेले हैं जो हरिद्वार जनपद में, उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पर चर्चा करेंगे।